Hello guys, welcome to Tech Study Time. My name is Priyanka Verma. I'm going to start with the current affairs of April month 2019. चलते हैं सबसे पहले अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज पे. 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. ऑटिज्म मतलब होता है आत्म केंद्रित. आत्म केंद्रित मतलब जिन लोगों को बोलने में और मूवमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं ऑटिज्म. और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम रहेगी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट इज 4 अप्रैल. 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस. एंड दिस डे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट कॉज्ड बाय लैंड माइंस टू द सेफ्टी हेल्थ एंड लाइफ्स ऑफ सिविलियन पॉपुलेशंस एंड इनकरेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेवलप माइन क्लियरिंग प्रोग्राम्स. और सबसे पहले ये मनाया गया था 4 अप्रैल 2006 में और इसकी थीम रहेगी यूनाइटेड नेशन प्रमोट एसडीजीज सेफ ग्राउंड सेफ होम. और यहाँ पे एसडीजीज का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नेक्स्ट इज 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है नेशनल मैरिटाइम डे. और ये सबसे पहले मनाया गया था 1964 में. हुआ गया था 5 अप्रैल 1919 में एसएस लॉयल्टी नाम का एक शिप था जो कि इंडिया से यूके गया था फर्स्ट टाइम. तो उसके बाद 1964 से ये फर्स्ट टाइम मनाना शुरू किया नेशनल मैरिटाइम डे. और इसकी थीम रहेगी इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट इज 7 अप्रैल. 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे. और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हेल्थ की अवेयरनेस के लिए. और सबसे पहले ये मनाया गया था 1950 में और इसकी थीम रहेगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर. नेक्स्ट इज 10 अप्रैल. 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे. एंड द मेन एम ऑफ दिस डे इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन इन पब्लिक हेल्थ. और 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी वीक. और ये ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसकी थीम रहेगी लिंकिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस विद रिसर्च एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस. नेक्स्ट इज 11 अप्रैल. 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे. एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मैटरनिटी फैसिलिटीज लैक्टेटिंग वुमेन एंड ऑल्सो फॉर प्रॉपर हेल्थ केयर गिवन टू वुमेन. और इसकी थीम रहेगी मिडवाइव्स फॉर मदर्स. नेक्स्ट इज 13 अप्रैल. 13 अप्रैल को होती है जलियांवाला मैसेक्रे. 13 अप्रैल 1919 जो कि अमृतसर में हुआ था उस टाइम जनरल डायर के द्वारा काफी लोगों को मारा गया. और 2019 में ये उसकी 100th एनिवर्सरी है. तो जलियांवाला बाग का कांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में और वो हुआ था अमृतसर में. नेक्स्ट इज 17 अप्रैल. 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होमोफिलिया डे. And it is celebrated to increase awareness about homophilia diseases and other inherited bleeding disorders. And World Homophilia Day was started by the World Federation of Homophilia. और इसकी थीम रहेगी reaching out the first step to care. Next is 18th April. 18th April को मनाया जाता है World Heritage Day. And this day aims to spread awareness of importance of protecting and preserving various sites around the world that have achieved World Heritage status. Or World Heritage Day ki theme rahegi rural landscapes. Next is 22 April. 22 April ko manaya jata hai World Earth Day. And it is celebrated to mark the anniversary of the birth of modern environmental movement in 1970. Aur ye manaya jata hai प्लैनेट की इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए. और इसकी थीम रहेगी प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज. नेक्स्ट इज 24 अप्रैल. 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे. और राजस्थान पहली ऐसी स्टेट है जहां पे पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था. नेक्स्ट इज 25 अप्रैल. 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे. और वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज मलेरिया हाउ टू कंट्रोल इट and how to eradicate it completely. और इस बार 2019 में इसकी थीम रहेगी Zero Malaria Starts With Me. Next is 26th April. 26th April को मनाया जाता है World Intellectual Property Day. और ये मनाया जाता है innovation और creativity को बढ़ावा देने के लिए. और इसकी थीम रहेगी Rich for Gold, IP and Sports. Next is 27th April. 27th April को मनाया जाता है World Veterinary Day. और ये मनाया जाता है to raise awareness in public about the important roles veterinaries plays. और ये day create किया गया World Organization for Animal Health and the World Veterinary Association के द्वारा. और इसकी theme रहेगी value of vaccination. Next is 28th April. 28th April को मनाया जाता है World Day for Safety and Health at Work.
और ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये मनाया जाता है टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड लुक्स फॉर कंटिन्यूइंग दीज एफर्ट्स थ्रू सेवरल चेंजेस लाइक टेक्नोलॉजीज, डेमोग्राफिक्स, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। और इस बार इसकी थीम रहेगी सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज 29th अप्रैल। 29th अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे, एंड द इंटेंशन ऑफ इंटरनेशनल डांस डे मैसेज इज टू सेलिब्रेट डांस, revel in the universality, revel in the universality of this art form, cross all political, cultural and ethnic barriers and bring people together with a common language, dance. और इस बार इसकी थीम रहेगी डांस एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट इज 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, एंड इट इज अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to provide the underprivileged and economically backward people access to government as well as private healthcare facilities. So, ये थे हमारे अप्रैल के important days. अब चलते हैं अप्रैल मंथ के questions पे. Question number 1. What is the name of Japan's new imperial era that began on May 1st, 2019? Answer is Reiwa. Japan ने 1st April 2019 को अपना न्यू इंपीरियल एरा डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है रेवा, और ये शुरू होगा 1st मई 2019 से। और बात आती है जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च द व्हाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट फीचर। आंसर इज फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने एक फीचर लॉन्च किया है व्हाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट, and this feature helps user to understand and control the kind of posts surfacing on their news feed from friends, pages and groups. Next question, the Bank of Baroda became the third largest lender of India by merging with which two banks? Answer is Dena and Vijaya Bank. Dena Bank aur Vijay Bank ye dono merge honge Bank of Baroda mein, aur Bank of Baroda jo hoga थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, और फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, और सेकंड है ICICI बैंक, और थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पंच लाइन ऑफ 2019-20 सेशन ऑफ CBSE। आंसर इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने अनाउंस कर दिया है कि अब से हर साल CBSE की एक पंच लाइन होगी, और ये पंच लाइन एवरी ईयर चेंज होती रहेगी। और 2019-20 सेशन में CBSE की पंच लाइन है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एग्रीड टू इशू इक्विवेलेंसी टू ऑल इंडियन डिग्रीज। आंसर इज UAE। UAE एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट इंडियन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आफ्टर द इंडियन साइड इशूड क्लैरिफिकेशन ऑन द इशू ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्क्स मेंशन इन द मार्क लिस्ट। अब बात आती है UAE की। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, और UAE की करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिर्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटीज ऑनर्स शाहरुख खान विद अ डॉक्टरेट डिग्री। आंसर इज लंडन्स लॉ यूनिवर्सिटी। लंडन्स लॉ यूनिवर्सिटी ने शाहरुख खान को डॉक्टरेट की डिग्री दी है, और इससे पहले द यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने भी डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। और उसके बाद और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, वहां से भी उनको ये डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन अप्रैल 1st 2019 लॉन्च्ड विच सैटेलाइट। आंसर इज एमीसैट। इसरो ने लॉन्च की थी अप्रैल 1st 2019 को, उस सैटेलाइट का नाम है एमीसैट। अब बात आती है इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने अप्रूव कर दिया है कि वो 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स इंडिया को सेल करेगा, और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट होगी वो होगी 2.4 बिलियन US डॉलर्स। और ये सी हॉक हेलीकॉप्टर ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। Who was appointed as the new managing director of LIC? LIC के new managing director कौन है? विपिन आनंद। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who will become as the next high commissioner of India to the Republic of Cameroon? आंसर इज राकेश मल्होत्रा।
कैमरॉन की कैपिटल क्या है? योंदे। कैमरॉन के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल। रिलायंस जियो हैज एक्वायर्ड विच चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी इन रुपीज 230 करोड़ रिसेंटली? कौन सी कंपनी एक्वायर की है रिलायंस जियो ने 230 करोड़ में रिसेंटली? ये की है हैप्टिक। हैप्टिक एक चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी है। चैटबॉट क्या होता है? इट्स लाइक अ कस्टमर केयर सर्विस, लाइक एक चैटबॉट होता है जो कि हमें विद इन सम टाइम अगर हम मैसेज करते हैं उसमें और विद इन सम सेकेंड्स हमें रिप्लाई आ जाता है। और इसका चैटबॉट क्या होता है, मीन्स इसका ऑलरेडी पहले से डाटाबेस तैयार होता है कि जो आंसर्स जैसे FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स हमें विद इन सम सेकेंड्स मिल पाएं। और रिलायंस जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस का हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट द न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019? कौन सी सिटी में यह होस्ट होगा? ये होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ पे होगा? मानेसर में। और ये होगा नवंबर 27 से लेके 29 नवंबर तक। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT जोन सी है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यू आइडियाज़ को शेयर करना, लर्निंग्स, ग्लोबल एक्सपीरियंसेस शेयर करना, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो भी है। न्यूजेन मोबिलिटी समिट जो है ये व्हीकल से रिलेटेड समिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थर्ड एडिशन ऑफ बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन नेवीज हैज बीन स्टार्टअप एट विशाखापट्टनम। इसमें क्या है, इंडिया में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज हुई है, थर्ड एडिशन ऑफ बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है जो कि कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में। और ऑस्ट्रेलिया AUS इंडेक्स ये किस कैसे रखा गया ये नाम? AUS मींस ऑस्ट्रेलिया, IND मींस इंडिया, EX मींस एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सैफ्रन स्वॉर्ड्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स? ये किसने लिखी है ये बुक? मनोशी सिन्हा रावल ने ये बुक लिखी है। अब मनोशी सिन्हा रावल ने ये वाली बुक लिखी है सैफ्रन स्वॉर्ड्स। अच्छा, एक बुक और है मोदी अगेन किसने लिखी है? अब्बास मालदियार ने लिखी है मोदी अगेन। और जो ये दोनों बुक है ना ये एक ही पब्लिकेशन की है, ये है गरुदा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, गरुदा प्रकाशन की ये बुक्स हैं। विच स्टेट हैज रैंक नंबर 1 इन ई लर्निंग ट्रेनिंग बाय रीचिंग टू 20,000 फील्ड स्टाफ ड्यूरिंग 2018-19? कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि फर्स्ट रैंक पे पहुंची है इन ई लर्निंग ट्रेनिंग में जिसका कि स्टाफ पहुंच गया है 20,000 पे? तो ये है तेलंगाना स्टेट। और तेलंगाना ने ये सेकेंड टाइम रैंक 1 अचीव किया है। हु वाज इलेक्टेड एज फीफा काउंसिल मेंबर इन अप्रैल 2019? अप्रैल 2019 में फीफा काउंसिल के मेंबर कौन बने हैं? वो है प्रफुल पटेल। प्रफुल पटेल जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के और उन्होंने 38 वोट्स जीती हैं आउट ऑफ 46 वोट्स। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? यानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट इज हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन अप्रैल 2019? अप्रैल 2019 में न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के? वो है डेविड आर मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में, US में। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1944 में। नेक्स्ट इज हु विल बी स्वॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन अप्रैल 2019? अप्रैल 2019 में न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के? वो है जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग। और एक बात और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट्स कितने हैं हमारे इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में और जो न्यूली बना है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और
चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और चीफ जस्टिस को ओथ कौन देता है? गवर्नर। अगर चीफ जस्टिस को रिजाइन करना होता है तो वो किसको सबमिट करता है रिजाइन अपना? वो करते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट इज विद विच बैंक डिड एनटीपीसी साइंड अ टर्म लोन एग्रीमेंट टू रेस रुपीज 2000 crore इन अप्रैल 2019। बैंक इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने एक लोन टर्म एग्रीमेंट साइन किया है एनटीपीसी के साथ जो कि 2000 crore रुपीज का है। और फरवरी में एनटीपीसी ने टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो कि था 5000 crore का। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटका में। और चेयरमैन कौन है? वो है श्री टी एन मनोहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? BIS के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है सुरीना राजन। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की जो कि देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके अंडर आती है BIS। BIS कब फॉर्म हुई थी? 23 दिसंबर 1986 में। BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में मानक भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर हु हैज बीन ऑनर्ड विद डी लिट इन एस्ट्रोलॉजी बाय नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी? आंसर इज सोहिनी शास्त्री। सोहिनी शास्त्री एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर है जिनको डी लिट एस्ट्रोलॉजी का अवार्ड मिला है। किसने दिया है? नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने। डी लिट के फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। डी लिट डिग्री का अवार्ड उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिनका रिकॉर्ड काम में बहुत अच्छा होता है और जो बहुत अच्छा अपने काम में अचीव करते हैं। सोहिनी शास्त्री जी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड भी मिला है। ये किसने दिया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने। कहाँ पे दिया है? विज्ञान भवन दिल्ली में। नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैत्रेय ब्रिज जो कि अभी न्यूज में है रिसेंटली, वो कौन सी नदी के ऊपर बना है? वो बना है इंडस रिवर के ऊपर। इंडियन आर्मी ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है इस लॉन्ग ब्रिज को 40 डेज के अंदर कवर करके। और ये किस पे बना है? इंडस रिवर में। और कहाँ पे बना है? ले में। मैत्री ब्रिज की लेंथ कितनी है? 260 feet। और इसमें 500 टन्स का मटेरियल लगा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच स्टेट ऑनली ट्रीट्स 49% ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डंपिंग इट इन द गंगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 49% जो वेस्ट वाटर है वो डंप करती है गंगा के अंदर? तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी डिस्कवर्ड द ब्रांच ऑफ अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इंडियन आर्मी ने एक मलबा खोजा है जो कि एयरक्राफ्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, उसका मलबा खोजा है। वो खोजा है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या हुआ क्या था? ये एक एयरक्राफ्ट था जो कि जा रहा था चाइना से असम। एक एयरक्राफ्ट था जो कि जा रहा था चाइना से असम। ये जा रहा था जनवरी 1944 की बात है और ये क्रैश हो गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो 2006 के अंदर क्रैश साइट आइडेंटिफाई हो गई थी पर ये नहीं पता लगाया जा रहा था कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब इंडियन आर्मी ने वो एग्जैक्ट लोकेशन पता की और जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बर्फ और झाड़ियाँ थी उसके 5 फुट नीचे ये मलबा मिला है एयरक्राफ्ट का। तो सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? वो है एन चंद्रबाबू नायडू।
कैपिटल क्या है? ईटानगर। और वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1939 से लेके 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट लैंडर टू इम्पोर्ट चार्जेस ऑन द ट्रांजेक्शन इन पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे। कौन सा ऐसा बैंक है जिस पे ट्रांजेक्शन के चार्जेस लगाए हैं? पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे से हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे हमारे चार्जेस लगेंगे, वो है बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में जिनका भी अकाउंट है, अब उनका क्या होगा, जो भी यूपीआई फंड से ट्रांसफर करेंगे ना, जो फर्स्ट 30 ट्रांसफर होंगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो उसके बाद वाली ट्रांजेक्शंस होंगी ना, 1000 रुपीज की अगर ट्रांजेक्शन है तो कटेंगे 2.50 रुपीज। अगर 1000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है तो 5 रुपीज कटेंगे, प्लस 18% जीएसटी भी कटेगा। और एक और बात, कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। विच विलेज बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। कौन सा विलेज है जिसको कि इंडिया का फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है? वो है फ्यांग विलेज, जो कि है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मणिपुर के कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर कहाँ, मणिपुर के अंदर एक लेक फेमस है जिसका कि नाम क्या है? लोकटक लेक। और इसके अंदर, लोकटक लेक के अंदर एक नेशनल पार्क बना हुआ है इस लेक पे, उसका नाम क्या है, जो नेशनल पार्क है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका नाम है केबेल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज रांची थालाइवर डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका कि नाम डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? वो है द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल के रखा गया है पुराची थालाइवर डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और जो डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन थे वो एक इंडियन एक्टर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं और पॉलिटिशियन में भी रहे हैं, और वो तमिलनाडु के सीएम भी रहे हैं 10 साल तक, 1977 से लेके 1987 तक, और 1987 में उनकी डेथ हो गई थी। करंट सीएम कौन है तमिलनाडु के? इडापाडी के पलानी स्वामी, ये हैं तमिलनाडु के सीएम। कैपिटल क्या है? चेन्नई। विच टेलीकॉम कंपनी गेट्स लाइसेंस फॉर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। कौन सी ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसको कि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला? वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल और इमारसेट, इमारसेट जो कि एक सैटेलाइट पार्टनर है, उन्होंने मिलके ये सर्विसेज ऑफर की है। और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बीएसएनएल के सीईओ कौन है? श्री अनुपम श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल ऐप लॉन्च टू फैसिलिटेट एल्डरली वोटर्स इन रजौरी। रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे क्या हुआ है, एक ऐप ऐसी लॉन्च की गई है जहाँ पे कि 90 ईयर्स से जो प्लस लोग हैं वो वोटिंग के लिए जा सके। कैसे? सहूलत ऐप से वो रिक्वेस्ट कर पाएंगे व्हीलचेयर के लिए, व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए, या फिर उनको कोई और हेल्प चाहिए कि वो वोट करने जा सके, तो ये ऐप है सहूलत ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी ऑनर्स शाहरुख खान विद अ डॉक्टरेट डिग्री। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने कि शाहरुख खान को डॉक्टरेट की डिग्री दी है? वो है लंडन्स लॉ यूनिवर्सिटी। लंडन्स लॉ यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री शाहरुख खान को दिया है, डॉक्टरेट डिग्री। और इससे पहले भी शाहरुख खान को कई बार डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। एक बार तो दी थी द यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, और फिर उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में भी दी है, और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि है हैदराबाद में, इन्होंने भी इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर हैज बीन द नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली।
नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 कहाँ पे हुई है? वो हुई है लखनऊ में। ये 3 डेज की थी जो कि हुई है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ हुई है? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू वो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस के। और लखनऊ है कहाँ पे? लखनऊ है यूपी के अंदर। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी गेट्स एन अवार्ड एट ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन? कौन से कंपनी को ये अवार्ड मिला है ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का? वो मिला है टाटा स्टील को। ये फ्रेंड्स कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईआईटी दिल्ली टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट? तो ये BIS ने MOU साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। किस फील्ड में किया है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट के अंदर। और ये MOU है, ये वैलिड है 5 years के लिए और इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक बैंक टू लॉन्च चैट बैंकिंग सर्विसेज वाया व्हाट्सएप ऐप? दुनिया का ऐसा पहला इस्लामिक बैंक कौन सा है जिसने की चैट बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है व्हाट्सएप के द्वारा? उसका नाम है एमिरेट्स इस्लामिक बैंक। एमिरेट्स इस्लामिक बैंक के CEO कौन है? सलाह अमीन। एमिरेट्स इस्लामिक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है दुबई में। अब बात आती है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के CEO कौन है? जैनकॉम। व्हाट्सएप ने अभी अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या था? चेकपॉइंट टिप लाइन। चेकपॉइंट टिप लाइन किसके लिए बना था? फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए। With which company Amazon India joined hands to help its sellers raise funding for business expansion, product development and even for medical assistance? Amazon ने अभी अभी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसका कि नाम है कीटो। कीटो एक मुंबई बेस्ड क्राउड फंडिंग कंपनी है। Amazon ने कीटो के साथ पार्टनरशिप की अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए और मेडिकल असिस्टेंस के लिए। अब Amazon इंडिया ने एक अभी नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है Amazon Wings। ये प्रोग्राम है न्यू सेलर फंडिंग प्रोग्राम। और Amazon का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है वॉशिंगटन US में। Amazon के CEO कौन है? जेफ बिजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन इन अप्रैल 2019? अप्रैल 2019 में बाई एनुअल आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? ये हुई न्यू दिल्ली के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भाषण किसने दिया? ये दिया निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन इंडिया की सेकेंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर हैं। और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। और अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट परमानेंट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। और फर्स्ट ऑफिशिएटिंग वुमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। और एक और क्वेश्चन, इंडिया में पहली बार किस वुमेन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? वो दिया गया था इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G फोन हैज रिसेंटली रिलीज्ड इन विच कंट्री? दुनिया का पहला 5G फोन कौन सी कंट्री ने रिलीज किया है? ये किया है साउथ कोरिया ने। अब बात आती है साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन? इंडियन रेलवेज के अंदर कौन से रेलवे स्टेशन को फर्स्ट ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। और किसने दिया है? NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
एक स्टैचुटरी बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि हैंडल करती है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स। और एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पवन हंस लिमिटेड? पवन हंस लिमिटेड के सीएमडी कौन है? वो है उषा पाडी। उषा पाडी जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सीएमडी पवन हंस लिमिटेड कंपनी के अंदर। और बात आती है पवन हंस लिमिटेड, तो पवन हंस लिमिटेड है क्या? पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है जो कि है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू इंडियन नेवल शिप दैट वुड टेक पार्ट इन चाइनीज नेवीज 70th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशंस लेटर इन अप्रैल 2019। दो इंडिया की नेवल शिप कौन सी है जो कि पार्ट लेंगी चाइनीज नेवीज 70th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में? उनका नाम है INS कोलकाता एंड शक्ति। INS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप। और INS के करंट चीफ कौन है? वो है सुनील लांबा। नए चीफ अपॉइंट होंगे, उनका नाम है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द प्लैटिनम जुबली ऑफ बैटल ऑफ कंगला तोनबी वॉर वॉज कोमेमोरेटेड बाय आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एट कंगला तोनबी वॉर मेमोरियल नियर इम्फाल मणिपुर। तो ये कब हुई थी प्लैटिनम जुबली? ये हुई थी 7th अप्रैल 2019 को। प्लैटिनम जुबली मनाई गई बैटल ऑफ कंगला तोनबी वॉर की। बैटल ऑफ कंगला तोनबी वॉर को बैटल ऑफ लॉइन बॉक्स भी कहा जाता है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो इंडिया के अंदर जो मेन पॉइंट था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का वो था मणिपुर। ये बैटल किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी एक्सिस फोर्स और एलाइड फोर्स के बीच में। कब हुई थी? 6-7 अप्रैल के नाइट को 1944 में। और अब इस वॉर को हो चुके हैं 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स पे होती है प्लैटिनम जुबली, 50 ईयर्स पे होती है गोल्डन जुबली, 25 ईयर्स पे होती है सिल्वर जुबली। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर की। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी? 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई थी? 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टलरी गन। इंडिया की खुद की ऐसी लॉन्ग रेंज आर्टलरी गन का नाम धनुष। धनुष जो है वो इंडिया ने खुद बनाई है। और ये कहाँ बनी है? ये बनी है जबलपुर फैक्ट्री के अंदर। और इसका टेस्ट कहाँ हुआ था? पोखरान के अंदर। और इसके जो स्ट्राइक रेंज है वो है 38 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2019 टाइटल इन मेन्स सिंगल कैटेगरी? मेन्स सिंगल कैटेगरी के अंदर मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2019 का टाइटल किसको दिया गया है? वो दिया गया है लिंडन को। अब बात आती है मलेशिया की। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के पीएम का नाम क्या है? महाथिर मोहम्मद। मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 7th अप्रैल to 14th अप्रैल 2019। 7th अप्रैल से 14th अप्रैल के बीच में जो वीक मनाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल हैंडलूम वीक। और इस ओकेजन के ऊपर एक बुक निकाली गई है जिसका नाम है द इंडियन टेक्सटाइल सोर्स बुक। ये बुक लिखी है एवालोन फॉटरिंगम ने। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, और इस दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1905 में।
फर्स्ट हैंडलूम डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 2015 में। कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया चेन्नई के अंदर। विच कंपनी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट ड्राइविंग प्रोफेशन इन ट्रकिंग स्पेस? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ट्रक ड्राइवर्स के लिए? ये किया है टाटा मोटर्स ने। ट्रक ड्राइवर्स को चार चीज़ों पर फोकस करना होगा, वो है स्वास्थ्य, संपत्ति, शिक्षा, सुरक्षित। स्वास्थ्य इज वेलनेस, संपत्ति इज फाइनेंस, शिक्षा इज एजुकेशन, स्मर्थ सुरक्षित स्मर्थ मीन्स ड्राइवर ऑन व्हील इंश्योरेंस। और इसमें हर साल 5 लाख ड्राइवर्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। टाटा मोटर्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टाइड अप विद अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट जनरल इलेक्ट्रिक टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट कोल्ड स्पेस स्मार्ट लैब? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसने टाई अप किया है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंडिया के पहले कोल्ड स्पेस स्मार्ट लैब बनाने के लिए? ये किया है IIT मद्रास ने। ये लैब उच्चतर आविष्कार योजना के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बायोलॉजिस्ट हु हेल्प डिसाइफर द जेनेटिक कोड एंड ज्वाइंटली वॉन द 2002 नोबल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, हु पास्ड अवे रिसेंटली? कौन है वो बायोलॉजिस्ट जिन्होंने 2002 में नोबल प्राइज जीता था साइकोलॉजी और मेडिसिन में? उनका नाम है सिडनी ब्रैनर, उनकी एज थी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर? इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है? उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, और ये 12th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बैग्ड नंबर वन स्पॉट इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2019 पब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नंबर वन पे आया है NIRF 2019 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग? तो वो है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास है वो ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग पे आया है, और यूनिवर्सिटीज़ में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु वो फर्स्ट नंबर पे है, और इंजीनियरिंग में टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और कॉलेजेस में है मरिंडा हाउस जो कि है दिल्ली में, और मैनेजमेंट के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फर्स्ट नंबर पे है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में ये फर्स्ट पे है। लॉ के अंदर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है ये नंबर वन पे है। आर्किटेक्चर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ये आर्किटेक्चर में फर्स्ट नंबर पे है। मेडिकल के अंदर एम्स दिल्ली में ये फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू लॉन्च 24/7 पॉल्यूशन चार्ज जोन? कौन सी ऐसी सिटी है जिसने कि 24/7 पॉल्यूशन चार्ज जोन लॉन्च किया है? ये किया है लंदन ने, और लंदन की करेंसी क्या है? पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ विच कंट्री हैज रिटेन्ड टॉप स्पॉट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2018? वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अकॉर्डिंग विदेशों से अपने देश में पैसे भेजने के मामले में कौन सबसे पहले है? तो वो है इंडिया। इंडिया है नंबर वन पे, चाइना है नंबर टू पे, मैक्सिको है थर्ड पे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है Washington DC US में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी अभी न्यूली बने हैं, वो है डेविड आर मालपास। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन गेमिंग टू एंटर द यूनिकॉर्न क्लब? कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडिया की फर्स्ट गेमिंग कंपनी है और जिसने यूनिकॉर्न क्लब के अंदर एंटर किया है? वो है ड्रीम 11। यूनिकॉर्न क्लब के अंदर वो कंपनीज आती है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, यानी कि 7000 करोड़ से ज़्यादा होती है वैल्यू।
ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसिडर हैं महेंद्र सिंह धोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेशन हैज़ बिकम द 1500 स्टेशन इन द कंट्री टू गेट वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रेलटेल एज पर ANI रिपोर्ट. कौन सा स्टेशन 1500 स्टेशन बना है जिसको रेलटेल ने वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की है? वो है शाइबाबाद जो कि है यूपी में, और रेलटेल ने वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड की है 500 स्टेशंस पे जस्ट इन 7 डेज. नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टर्ड CRPF ट्रूप्स. राष्ट्रपति ने CRPF के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए ये ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है CRPF वीर परिवार ऐप. ये ऐप जो ड्यूटी के दौरान मारे गए CRPF जवान थे उनके परिवारों के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, और ये लॉन्च की थी CRPF वेलर डे यानी कि CRPF वीरता दिवस के अवसर पर नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये ऐप लॉन्च की. और इस ऐप में CRPF जवानों के परिवारों को ग्रांट देने के लिए, उनको पेंशन बेनिफिट्स देने के लिए और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस इन ऑस्ट्रेलिया. कौन सी कंपनी ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका नाम है गूगल. गूगल ने अमेज़ॉन को हराकर अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है. जब ड्रोन के द्वारा पार्सल आता है तो उसको बोलते हैं ड्रोन डिलीवरी सर्विस, और ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में गूगल ने. और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया US में. गूगल के CEO है सुंदर पिचाई. ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन. ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड. 17वां मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ? ये हुआ जॉर्डन में. MENA होता है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो ये हुआ जॉर्डन की डेड सी पे. इस मंच में 1000 से अधिक सरकारी, व्यापारिक और नागरिक समाज के नेता इकट्ठे हुए थे, और इसके 3 मुख्य उद्देश्य ये थे, जॉब जनरेट करना और 1 अरब की महिलाओं को सशक्त बनाना, और 3रा और पिछले वर्षों के क्षेत्र के उद्योग में शामिल होने वाले सबसे जटिल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडन एल्मैक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द 3rd स्ट्रेट टाइम. विराट कोहली को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, और वुमेन्स में नामित किया है स्मृति मंधाना को वुमेन्स लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC इंडिया. तो ICC इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उनका नाम है विक्रमजीत सिंह सहाने. अब यहाँ पे बात हो रही है ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो प्रमोट करता है इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड को. ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका है दुबई में. ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? कर्नाम शेखर. और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में. इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रोथ विद, हिंदी में होगा अच्छे लोगों के साथ विकसित करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ स्टडी डॉग कैन पिक आउट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम पीपल विद कैंसर हाउ मच एक्यूरेसी? कुत्ते जो हैं वो 97% की सटीकता से कैंसर को सूंघ सकते हैं. ये इस स्टडी में पता लगाया है US साइंटिस्ट ने. उन्होंने ये रिसर्च 4 कुत्तों पे की. रिसर्च के दौरान ये पता लगा कुत्ते जो हैं वो 97% की सटीकता से कैंसर पीड़ित लोगों के रक्त के नमूनों की जांच कर सकते हैं.
कुत्तों में इंसानों की तुलना में 10,000 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो चेयरमैन हैं लिक्यूद पार्टी के। लिक्यूद पार्टी मींस जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, वैसे इसराइल के अंदर एक लिक्यूद पार्टी है। तो ये पांचवी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहली बार बने थे 1993 से लेके 1996 के बीच में। बेंजामिन नेतन्याहू 9th प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, और इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इसराइल की करेंसी है इसराइली न्यू शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियाज मैन हॉकी टीम। इंडियाज मैन हॉकी टीम के नए चीफ कोच कौन है? उनका नाम है ग्राहम रेड। ग्राहम रेड ने एज ए असिस्टेंट कोच वर्क किया है नीदरलैंड में, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2018 मैंस वर्ल्ड कप में। और इस वक्त इंडिया के कोई भी चीफ कोच नहीं थे। जो लास्ट ईयर जो चीफ कोच थे उनको वर्ल्ड कप के बाद निकाला गया था, उनका नाम था हरिंदर सिंह। तो अब जो नए बने हैं उनका नाम है ग्राहम रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर फोटोजेनिक इमेज ऑफ ब्लैक होल विल बी रिवील्ड आफ्टर बाय विच इंटरनेशनल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। कौन सी इंटरनेशनल पार्टनरशिप ने प्रस्तुत की है? ये की है इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने। ये की थी 10th अप्रैल 2019 को। और जो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है इसके द्वारा इस ब्लैक होल की इमेज ली गई। और ये कौन सी गैलेक्सी पे है? उसका नाम है मीजर 87, और अर्थ की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो ये मीजर 87 की गैलेक्सी पे ब्लैक होल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली DEO मोबाइल ऐप इज लॉन्च बाय विच स्टेट। रिसेंटली DEO मोबाइल ऐप कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? उसका नाम है पुडुचेरी स्टेट। पुडुचेरी ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च की है। DEO है क्या? DEO की फुल फॉर्म है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस। ये एप्लीकेशन पुडुचेरी के लिए है जिसमें ये पता लगाया जाएगा वोटर्स की डिटेल और पोलिंग स्टेशन की, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन है उनकी डिटेल आएगी, और इस ऐप में टाइम टू टाइम पोलिंग की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन फॉर्म इज नीडेड टू बी फिल्ड टू इनरोल एज अ न्यू वोटर एंड गेट अ वोटर आईडी। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत होगी नया वोटर इनरोल करने के लिए? वोटर आईडी लेने के लिए और नया वोटर इनरोल करने के लिए हमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा? तो उस फॉर्म का नाम है फॉर्म नंबर 6। और वोटर आईडी के लिए हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन्स की वेबसाइट पे। हु वाज अवार्डेड द फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ द लंदन इन अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का अवार्ड किसको दिया गया था? उनका नाम है एलाइस जी विद्यान। ये चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और ये सम्मिट हुई थी यूके इंडिया इंश्योरेंस सम्मिट, जो कि हुई थी 11th अप्रैल 2019 को लंदन में, और वहाँ पे उनको ये अवार्ड दिया गया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यू आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उनका नाम है विक्रम नाथ जो कि सीनियर मोस्ट जज थे अलाहाबाद हाईकोर्ट के। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1st जनवरी 2019 को, और उससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कंबाइंड हाईकोर्ट था। और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट्स कितने हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच नेशन एग्रीड टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज ऑन अप्रैल 11, 2019। आंसर इज नीदरलैंड। भारत ने नीदरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर ये चर्चा की। और नीदरलैंड की करेंसी है
यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च विद इट्स फैल्कॉन हैवी रॉकेट बाय प्लेसिंग अ सऊदी सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑन April 11, 2019? आंसर इज स्पेस एक्स ने अपना पहला कमर्शियल लॉन्च किया है फैल्कॉन हैवी रॉकेट के साथ, और फैल्कॉन हैवी रॉकेट जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, और ये रीयूजेबल रॉकेट है जो कि कॉस्ट को मिनिमाइज करता है. स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलोन मस्क और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फॉर द अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019? April 2019 के अंत में होने वाले ADIBF 2019 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? उसका नाम है इंडिया. और 2020 में पेरिस बुक फेयर होगा जिसमें कि गेस्ट कंट्री होगा इंडिया, और 2022 में न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होगा जिसमें कि गेस्ट कंट्री होगा फ्रांस. तो इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. और अबू धाबी की करेंसी है UAE दिरहम, और अबू धाबी के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नेहान. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है 12 अप्रैल को. 12 अप्रैल को एनिवर्सरी होती है क्योंकि इस दिन यूरी गार्गिन फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे, और यूरी गार्गिन को फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस कहा जाता है, और ये गए थे 1961 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेंड्स टीम टू रीमेजर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक टीम भेजी है माउंट एवरेस्ट की हाइट नापने के लिए? तो उसका नाम है नेपाल. नेपाल ने अभी टीम भेजी है माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने के लिए दोबारा से. और माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम कौन गया था? एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, वो गए थे 1953 में. और माउंट एवरेस्ट की करंट हाइट अभी है 8848 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे वॉज फेलिसिटेटेड विद द कोवेटेड पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल वाटर समिट. द समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इज लंडन. नमामि गंगे कार्यक्रम को लंडन में विश्व जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और ये पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने वाली पहल के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डिड गूगल पार्टनर इन अप्रैल 2019 टू अलाउ गूगल पे यूजर्स टू बाय एंड सेल गोल्ड थ्रू द ऐप? गूगल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है गूगल पे के द्वारा गोल्ड को बाय या सेल करने के लिए? ये की है MMTC PAMP के साथ. MMTC PAMP के साथ ये पार्टनरशिप हुई, और इस पार्टनरशिप से गूगल पे यूजर्स 99.99% 24 कैरेट गोल्ड बाय कर सकते हैं. गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में. गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉर्ड्स PM नरेंद्र मोदी विद कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल? कौन सी कंट्री ने PM नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये अवार्ड का नाम है, ये दिया है रशिया ने. और इससे पहले PM नरेंद्र मोदी को जैक मेडल दिया था UAE ने. जो जैक मेडल है वो भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये अवार्ड रूस और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है. रशिया की कैपिटल है मॉस्को. रशिया की करेंसी है रशियन रूबल. Who institutes the World Summit on the Information Society Awards? Answer is United Nations. World Summit on the Information Society ये हुई थी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल को जनेवा स्विट्जरलैंड में, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की दो स्कीम्स को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला. उसका नाम है उत्कर्ष बंगला और सबूत साथी. उत्कर्ष बंगला है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और सबूत साथी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईसाइकिल्स टू स्टूडेंट्स के लिए. तो ये अवार्ड
इस दो स्कीम्स के लिए दिया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है केशरी नाथ तृप्ति और सीएम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डैश वीक 2019 वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 7 to 13 अप्रैल 2019। वर्ल्ड का कौन सा वीक मनाया गया 7 से 13 अप्रैल को? ये था वर्ल्ड एलर्जी वीक। वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 की थीम क्या है? द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। और वर्ल्ड एलर्जी वीक एक ग्लोबल कैंपेन है जो कि वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया, और ये चलाया गया था कम्युनिटी में एलर्जी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टॉल्ड द रिलीज ऑफ बायोपिक ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। विच पॉलिटिकल लीडर वॉज अ फिल्म बेस्ड ऑन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फिल्म रिलीज की थी बायोपिक ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, और ये फिल्म को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बायोपिक फिल्म को बैन किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। तो उन पॉलिटिकल लीडर का नाम क्या है? उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस ये बैन कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री हु बीट जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। आंसर इज हांगकांग। हांगकांग जापान को पिछाड़कर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है, और फर्स्ट नंबर पे है यूएस, सेकेंड नंबर पे है चाइना और थर्ड पे है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। इनके चेयरमैन बने हैं बीबू कल्याण नायक। बीबू कल्याण नायक इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का, और ये एक पहले इंडियन है जिनको ये पोस्ट मिली है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जीन माइकल लैपिन। हैती के प्रेसिडेंट जोविनल मॉयस ने इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हैती की करेंसी है हैतियन गॉड। हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच बैंक डिड पैसालो डिजिटल साइन अ को ओरिजिनेशन लोन एग्रीमेंट इन अप्रैल 2019। आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पैसालो डिजिटल ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इस कंपनी का एम है टू डिसबर्स 2 लाख लोन एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल ईयर 20। और पैसालो डिजिटल लिमिटेड के MD है सुनील अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन साइन MOU विद डैश टू ट्रेन इंडियन जूनियर प्लेयर्स। AITA ने एक MOU साइन किया है सर्बियन टेनिस फेडरेशन के साथ इंडियन जूनियर प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। जो ट्रेनर्स और कोच हैं सर्बिया के, वो इंडिया आएंगे 1 वीक या 2 वीक कैंप के लिए, फॉर अंडर 12, 14, 16 और 18 कैटेगरीज को वो ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विल बी द मिनिमम एरिया ऑफ करेंसी चेस्ट अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर बैंक्स टू सेट अप न्यू करेंसी चेस्ट। आंसर इज 1500 स्क्वायर फीट। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस अब जो मिनिमम एरिया होना चाहिए वो होगा 1500 स्क्वायर फीट फॉर स्ट्रॉन्ग रूम, और जिसकी कैपेसिटी होगी 6.6 लाख पीसेज ऑफ बैंक नोट्स पर डे, और फॉर बैंक्स इन हिली एरियाज उसकी कैपेसिटी रहेगी 2.1 लाख पीसेज ऑफ बैंक नोट्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 64th रेलवे वीक फंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड वॉज ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। 64th रेलवे वीक फंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 13th। और न्यू दिल्ली में रेलवे बोर्ड के 45 ऑफिशियल्स को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम है VK यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल इन्फ्लेशन रोज बाय हाउ मच परसेंट इन मार्च 2019। रिटेल इन्फ्लेशन मार्च 2019 में हो गया 2.86%, और लास्ट ईयर 2018 में ये था 4.28%, और ये रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज वॉन द $25,000 नेक्स्ट बिलियन एटेक प्राइज 2019। तो ये मिला है दोस्त एजुकेशन को।
अब ये दोस्त एजुकेशन है क्या? जो गरीब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर ज्यादा पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं कर पाते, और उनके लिए एक ये फ्रेंडली ऑडियो कंटेंट भेजता है मोबाइल फोन्स पे, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में होता है जिससे बच्चे स्टडी कर पाए। और इंडिया में मिला है दोस्त एजुकेशन को, और दो और विनर्स है जो कि है, एक है तंजानिया से और एक है इजिप्ट से। इजिप्ट से है, उसका नाम है प्रेक्सी लैब्स, और तंजानिया से है, उसका नाम है ओबोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड अ न्यू ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज नेम्ड होमो लुजोनेंसिस? तो ये मिली है फिलीपींस में। फिलीपींस में साइंटिस्ट ने एक नए ह्यूमन की स्पीशीज फाइंड की है जिसका नाम है होमो लुजोनेंसिस। होमो लुजोनेंसिस, इसकी हाइट है लेस देन 4 फीट। और 2004 में एक स्पीशीज ऐसा ही फाइंड हुई थी, वो हुई थी इंडोनेशिया में, जिस स्पीशीज का नाम था होमो फ्लोरेंसिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।